नमस्कार दोस्तों, वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 पर जो है अभी वायरिंग का काम स्टार्ट हो गया है। तो आज के इस वीडियो में आपको हम वहाँ पर ले चलेंगे और वहाँ पर हो रही जो प्रोग्रेस है उसको पूरा आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो आप लोग दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए। तो इस वक्त हम लोग जो है वाराणसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पास है। इधर जो है आपका प्लेटफॉर्म नंबर 5 है और यहाँ पर आप देखिए प्लेटफॉर्म नंबर 4 की तरफ आपका जो है पिछला वीडियो जब बनाया था तो इधर आपका निर्माण कार्य चल रहा था। और ये देखिए यहाँ पर आपको ये पत्थर बिछा दिए गए हैं। तो इस वक्त जो है आपका पूरे वाराणसी रेलवे स्टेशन पर जो है रीडेवलपमेंट का काम चल रहा है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आपका आगे चलते जाइएगा तो प्लेटफॉर्म नंबर 10 और 11 से मिल जाएगा। और ये जो आप सामने उधर देख रहे हैं ये प्लेटफॉर्म नंबर 10 का, देखिए वहीं से शुरुआत है। और ये देखिए इधर आपका ये प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे यहाँ पे देखिए मिल रहा है। तो इधर भी देखिए ये निर्माण कार्य हो गया है। आपका प्लेटफॉर्म नंबर 10 से 11 और 4 5 को जो जोड़ने वाला जो सेक्शन है उस पर देखिए ये ढलाई का काम ये हुआ है एक साइड का। और ये देखिए अब हम लोग जो है प्लेटफॉर्म नंबर 10 के नज़दीक पहुँच गए हैं। और यहाँ पर आप जो देख रहे हैं यहाँ पर आपका जो है ये पटरी यहाँ पर देखिए समाप्त हो रही है। तो जो ट्रेन आपका जो है यहीं से स्टार्ट होगी या यहीं पर वो आकर रुकेगी, लास्ट स्टॉपेज होगा तो यहाँ पर आकर रुक जाएगी। और जिसको आगे जाना होगा देखिए वो वहाँ से आपका लूप लाइन निकलेगा, आपका वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से आगे होते हुए फिर आगे काशी और मुगलसराय की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर देखिए जैसे ये लिखा हुआ है 10 से 11 और 4 5। तो आपका मेरे ख्याल से जो बाएं साइड है वो प्लेटफॉर्म नंबर 10 होगा और दाएं साइड जो प्लेटफॉर्म नंबर 11। तो इधर देखिए ये पटरी उट्टी इधर देखिए बिछ गया है। और ये जो आपका लाल रंग का जो घर है इसको शायद हटाया जाए, आगे कुछ इस पर अपडेट होगा तो मैं आपको बताऊंगा। और अभी आपको इधर जो है पटरी बिछ गई है और इसके साथ साथ आपका जो है स्टेशन पे जो सुख सुविधाएँ हैं वो भी अब लगाई जा रही हैं। जैसे आपको ये पानी के लिए देखिए लगा हुआ है। इसके साथ साथ आपका जो है जो केबल्स हैं जो वायरिंग है उसके देखिए ये तार कैसे जा रहा है, आगे मैं आपको ले चलूँगा पूरा वायरिंग का भी काम दिखाऊँगा। उससे पहले आपका जो है जहाँ पे ट्रेन जो इस पटरी पे चलनी है ऊपर जो बिजली है जो लाइन है उस पर देखिए काम हो गया है और जो थोड़ा मोड़ा बचा है वो चल रहा है। तो मतलब प्रोग्रेस हुआ है दोस्तों, आपका जो सिग्नल वगनल है देखिए वो भी लग गया है, पटरी भी लग गया है लगभग। इधर देखिए अभी निर्माण कार्य होना इधर बाकी है, ये हो जाएगा तो फिर आपका जो प्लेटफॉर्म नंबर 10 वो 4 से जुड़ेगा इधर आगे जाके। ये जो आप सामने देख रहे हो वही देखिए आइलैंड प्लेटफॉर्म है। और ये देखिए फुट ओवर ब्रिज आपका इस पार से उस पार जाने के लिए जो यात्री यहाँ उतरेंगे उनको अगर वाराणसी सिटी में आगे जाना है तो इधर से आप जाइएगा और ये फुट ओवर ब्रिज से आप चलते हुए उस पार चले जाइएगा। यहाँ पे एक देखिए रेलवे फाटक भी है। और वो जो देख रहे हैं उधर ही फुट ओवर ब्रिज है उससे आप उतरिएगा वहाँ पे और फिर उसी के पीछे पीछे से आप उधर आगे निकल जाइएगा। उधर से आपका प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ भी आप जा सकते हैं जो वाराणसी जंक्शन का मेन आपका एंट्रेंस है उधर से ही है। तो दोस्तों इसको आइलैंड प्लेटफॉर्म करने का मुख्य कारण यह है क्योंकि यह जो मेन प्लेटफॉर्म है जो मेन रेलवे स्टेशन है उससे आपका अलग हट करके है। और रेलवे जो इस तरह का प्रयोग कर रहा है जहाँ पर आपका जो है यात्रियों का दबाव ज़्यादा है और ट्रेनों को जो है आउटर पर काफ़ी देर तक इंतज़ार करना पड़ता है, तो इस समस्या से बचने के लिए आपका जो है आइलैंड प्लेटफॉर्म का यह कॉन्सेप्ट लाया गया है। और अभी वाराणसी में जो है आपका जो ट्रेनें आती हैं तो आउटर पर काफ़ी देर तक खड़ी रहती हैं। उसके लिए देखिए आपका जो प्रोजेक्ट है कुल मिला के देखिए तो 10 करोड़ का है। उसके देखिए डिटेल यहाँ पर दिया गया है। आपका इस पर जो काम है अलकनंदा एसोसिएट कंपनी कर रही है और काम के प्रोग्रेस अपडेट तो आप देख ही रहे हैं कि कितना काम हो चुका है।
और बहुत जल्दी इसको जो है ऑपरेशनल किया जाएगा। अभी जो है वायरिंग का काम चल रहा है और जो थोड़ा मोड़ा काम जो बचा है वो उसको जल्दी से निपटाने का प्रयास किया जा रहा है। ये देखिए अब हम जो प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, यहाँ पर आपको देखिए ऊपर का जो शेड है टीन शेड ये लगाया जा चुका है और अभी आप देख रहे होंगे कुछ यात्री आ रहे हैं जा रहे हैं। तो बहुत सी ट्रेन जो आउटर पर रहती हैं काफ़ी देर तक रहती हैं, तो उससे जो यात्री लोग मजबूर होकर आपका जो है पटरी इधर उधर क्रॉस करके अपने गंतव्य की ओर जाने का प्रयास करते हैं, तो इससे दुर्घटना होने की भी संभावना बनी रहती है। तो जिस वजह से आपका देखिए तो ये आयरन प्लेटफॉर्म जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। इधर साइड आप देख रहे हैं पटरी भी बन चुकी है, ये देखिए उधर से देखिए ये काम यहाँ पर चल रहा है अभी। और जो लेबर लोग हैं अपना देखिए सुबह सुबह ही काम पर लग चुके हैं। और उस साइड जो आपका दो पटरी देखिए बिछ रहा है, दो लाइन, इसमें से एक लाइन तो बिछ चुका है और दूसरा वाला भी धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, बिछता हुआ देखिए वो। और ये जो आपका दिख रहा है इसको तोड़ करके हटाया जाएगा, ये बीच में आपका देखिए पड़ रहा है, इसके दोनों साइड आपका पटरी बिछ चुका है, ये देखिए यहाँ पे। तो काम तो दोस्तों प्रोग्रेस हो गया है और अभी जो आपका मेन काम है आपको देखिए तो ये वायरिंग का काम ये चल रहा है। आप देख रहे होंगे ये ऊपर चढ़ कर के ये लोग काम कर रहे हैं, ये देखिए। तो आपका धीरे धीरे जो है यात्रियों के जो सुविधाओं के लिए जो चीज़ें लगती हैं आपका पानी हो गया, ये बिजली, इसकी व्यवस्था देखिए की जा रही है। देख रहे हैं ये पाइप, ये देखिए इसमें ये जॉइंट ये लगता है और इसी में आपका जो है शायद तार बिछाया जा रहा है ऊपर लगा करके। और ये देखिए सामान को दूसरे साइड ले जाया जा रहा है, दूसरी तरफ अब काम होगा उसके लिए लोग देखिए ले जा रहे हैं धीरे धीरे सामान। तो ये देख रहे हैं आपका इधर देखिए तो जो रेलवे के भवन थे उनको भी तोड़ा गया है। और इधर साइड देखिए ये तो जो दूसरा वाला पटरी है उधर ही बिछेगा अभी, बाकी देखिए अब ये टीन शेड ऊपर जो है यहाँ पे समाप्त हो जाएगा और कुछ दूर तक जो आपका प्लेटफॉर्म और आगे तक है। तो धीरे धीरे देखिए अब हम लोग एंडिंग की तरफ आ चुके हैं। इधर साइड भी आप देखिए तो जो फ्लोरिंग का काम है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, आपका देखिएगा तो पूरा टाइल्स बिछ चुका है और दोनों साइड से आपका जो प्लेटफॉर्म के पास जो टाइल्स होता है रेड कलर वाला वो भी देखिए लग चुका है। ये सारा मैं धीरे धीरे कवर किया हूँ, ये देख रहे हैं ये। और इधर भी देखिए कुछ दूर तक ये पटरी देखिए बिछ चुकी है, देख रहे हैं आप। तो दोस्तों इस पे जैसे जैसे प्रोग्रेस होगा मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और वो जो आप सामने देख रहे हैं वहीं पे देखिए ये समाप्त हो जाएगा प्लेटफॉर्म। तो ये प्रोग्रेस अपडेट दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसी तरह के अपडेट के लिए दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव।